देशात याआधी अल्पमतातलं सरकार बनलंय, त्यामुळे दिल्लीतही अल्पमतातलं सरकार स्थापन होऊ शकतं असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. दिल्लीतल्या सत्ता स्थापनेविषयी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टानं नायब राज्यपाल नजीब जंग यांचं कौतुक केलंय. सरकार स्थापनेच्या दृष्टीनं सकारात्मक पावलं उचलले जात असल्याचं कोर्टानं म्हटलंय. नायब राज्यपालांनी आता विविध पक्षांशी चर्चा करावी असंही कोर्टानं म्हटलंय. दरम्यान या संदर्भातली पुढची सुनावणी 11 नोव्हेंबरला होणार आहे. सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑब्जर्वेशंस दिए उससे तो यही लगता है, और अब 11 तारीख को इसको रखा है और उसी का समय दिया है कि बाकी जो भी प्रोसेस है वो प्ले आउट करेगा. और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया कि दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, इट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट कि एलजी सभी पार्टीज को, उन्होंने ऐसा कहा है शायद, कि सभी पार्टीज को बुला के कंसल्ट करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद वो अपना एक व्यू फॉर्मुलेट करेंगे और फिर वो सभी के साथ शेयर करेंगे. सरकार बननी है तो सरकार बन जाए, हर हालत में चाहे जो भी फैसला हो, अगर डिसॉल्व नहीं करी गई या सरकार नहीं बनवाई गई तो केस की सुनवाई 11 तारीख को करी जाएगी. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.